ऐसा है कि पंजाब दे विच पिछले 2 साल तो जदों यह विषय चलिया और इस विषय के बारे इस कॉलेजों में चर्चा होनी शुरू हुई तो स्वाभाविक रूप नाल जदों चर्चा होती है तो सब लोगों तक पहुँचती है। शायद तुसी भी अखबारों पढ़िया होना कि कुछ लोगों ने राजनीतिक स्तर के उत्ते यह शिकायत की थी कि भी ये जिहड़ा विषय है ये कोई सिख विरोधी विषय है, ये कोई सिख धर्म के विरोध च है। तो स्वाभाविक रूप नाल मेरे भी मन च यही आया कि जदों तक मैं इन्हों लोगों भी दसन का समझा का उपराला नहीं करांगा उदों तक ठीक गल नहीं हो सकती। तो मैनू उप मुख्यमंत्री जी के ऑफिस तो ये गल आई और मैं उन्होंने अंग्रेजी की भी और पंजाबी भी किताबा दिखाई और नाल मैं प्रोफेसर एस बी सिंह जी प्रोफेसर बेदी इन्हों के और होर सिख विद्वाना नाम प्रोफेसर ग्रेवाल का नाम भी दिता। मैं क्या कि शायद मेरी गल तो ना ठीक लगे तुम इन्होंने विद्वाना नाल गल कर लो एक किताब देख लो तो फिर भी कोई गल लगे तो कह सकते तो फिर उस तो बाद कोई जवाब नहीं आया फिर किसी ने मैं पूछा नहीं। एक नैगेटिव पास की खबर पॉजिटिव गल है ध्यान चाहिए कि मैंने दसिया राजू जी ने एक फीडबैक दे विच उपल जी ने यह कहा कि यह वर्कशॉप करन तो बाद जो तो मैं हूँ स्वयं विच गुरबाणी पढ़ता मैं जो जपजी साहब पढ़ना तो मैं उसके बदले हुए जेड़े अर्थ ने वो अपने ध्यान चाहते पहला मैं शब्द पढ़ता सी उन्होंने पिछे के अर्थ नहीं मैं ध्यान चाहते और हूँ जो मैं शब्द पढ़ता तो मैं उसनों इस कंटेंट के नाल रिलेट कर तो मैं ध्यान चाहता है कि भाई अच्छा इस गल का मतलब तो यह होता सी मैं पहला क्यों नहीं समझा इस गल। तो मैं तुसी जिवें अपनी शेयर किया कि अपने जीवन विच अपनी पढ़ाई लिखाई विच अपने जीवन की दिशा विच परिवर्तन आया क्योंकि अपने पेरेंट्स के नाल जदों चीज़ा शेयर कीतियां पेरेंट्स के नाल व्यवहार के विच परिवर्तन आया तुसी अपने पिंड वालियां दे नाल अपने फ्रेंड सर्कल के नाल चीज़ा शेयर कीतियां तो नवे नवे अनुभव आए। ऐसे तरीके नाल असी अपने जीवन के अंदर अपने धार्मिक रीति रिवाजों के नाल भी जुड़े आप गुरुद्वारे जाने आप मंदिर जाने उत्थे जिन्ना लोगों के नाल गलबात होंदी है वड्डे लोगों के नाल महापुरखों के नाल उस गलबात दे विच अगर कोई अच्छा अनुभव आया होवे या अपने आप विच फील होया होवे कि मैं हूँ तक जिस तरीके बाणी पढ़ता सी सिर्फ शब्द पढ़ता सी हूँ मैं वो चीज़ा ज़्यादा अच्छे तरीके समझ आनी शुरू हुई हैं मैं अपन जड़ा के नाल ज़्यादा मजबूती दे नाल जुड़ना शुरू हुआ ऐसा भी अगर कोई अनुभव आया हो तो वह भी सुना। पहली वर्कशॉप लाई थी ना तो ताई ने आगे पूछा मैं की सीख गया पहले वर्ड पता मेरे मुँह चुकी उन्होंने समझाने लिटरली मगर जो आप गुरबाणी सिखाती है वो आपने प्रैक्टिकली सिखाई भी उदा आप नहीं शायद सीख पाते भी उही चीज़ें सिखा रहे हैं लिटरली ये वर्ड मैं पहले उन्होंने कहा भी गुरबाणी जो सिखा रही है वही सिखा रहे हैं भी जिदा आप गुरु भी सिखा गए हैं भी आप लाइफ अपनी कितना जुड़ी है तो यही उदा ही सिखा रहे हैं लाइफ कितना जी कर तो जब पढ़ते होंगे तो उही कोरिलेट करते हैं तो सेम कॉन्टेंट ही मैं वैसे एक निजी अनुभव बच्चों का साझा करना चाहूँगा लाखों को पता है मेरी बेटी ने बी टेक कंप्यूटर किया गुरु नानक यूनिवर्सिटी बाद उन्हें सोशियोलॉजी की एम ए की फिर वह आई एस भी गई दो बार आई एस का एग्जाम क्लीयर किया। मेरे अपने घर का ना माहौल बड़ा धार्मिक है गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया हुआ पर मेरे दोनों बच्चे जेड़े वो कोई बहुता इस पासे रुचित नहीं होंगे बड़ा कह के कभी असं कहना तेरा इम्तिहान है जाके उपर मत्था टेक गया तो उन्होंने चले जाना जो असी इस यूनिवर्सिटी के वैल्यू एजुकेशन का डॉक्टर साहब के नाल रल के ये उपराला करने की कोशिश की तो मैं कुछ किताबा जड़िया इतने छपिया सन या वैल्यू एजुकेशन या होर हिंदी च दो तीन किताबा अपने बच्चों दी तो उन्होंने जिसले पढ़िया या वैल्यू एजुकेशन देखा तो उन्होंने ये लगा कि इस एजुकेशन के साड़ी जिहड़ी विरासत है साड़ा जिहड़ा धर्म है उन्हां जिहड़ियां वैल्यूज़ ने उन्हों सीखना बड़ा जरूरी है
और मैं देखा हूँ बेटे ने तो खैर अजे भी शुरू नहीं किया पर बेटी वो वैल्यू एजुकेशन के थ्रू उन्हें गुरबाणी का पाठ करना शुरू करता है तो गुरबाणी के अर्थ समझने शुरू कर देते तो वो जिस असी वैल्यू एजुकेशन वाली किताबा जीडिया पी टी यू ने छापिया मैं अपनी बेटी दतिया तो उन्हें कहा बाबा ये सारिया गल् उ ने जड़िया मैं जपजी साहब तो सुखमणी साहब से कर दी तो कहती मैं चंगा जहाँ कोई टीका लिया दो मैं उन्होंने टीका लिया के दिता तो उन्हें अपने ढंग के नाल जपजी साहब ते सुखमणी साहब वो वैल्यू एजुकेशन के सिस्टम तो उन्हें ये सारिया चीज़ों ग्रहण किया तो हूँ जो सोशियोलॉजी के पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले उन्होंने है तो वो इस ढंग के नाल उन्होंने पढ़ाती है दिखा के कि यह वैल्यू एजुकेशन सिस्टम सानू जी अज की साड़ी जी बोर जिंदगी है जिसे असं पैसे कमा रहे हैं वो तो सू बाहर क्यों नहीं कटे तो मैं लगता कि एक डॉक्टर साहब ने तो शब्द को प्रेस वाला वरत लिया है सिख विरोधी असल से यह वैल्यू एजुकेशन सिख विरोधी नहीं सिख सिख धर्म के पक्ष में है गल सर इस तरह है कि मैं वैल्यू एजुकेशन की पहली वर्कशॉप अटेंड की सी पुस्तक मैं उस तो बाद पढ़ने का मौका मिले उस तो बाद मैं डॉक्टर सिंह होना नाल ट्रिपल आई टी हैदराबाद वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के भी गया सी ते रिलीजन के मसले के सानू काफ़ी सोच समझ के काफ़ी होर तरह की प्रॉब्लम हिंदुस्तान के आदियां ने भी एक तरह का जिहड़ा धर्म निरपक्षता का पोलिटिकल कॉन्सैप्ट उन्हें साडा काफ़ी हद तक सानू भड़काया होया हैगा ते बहुत सीरीयस इशू हैगा ते इहदे ते जो बंदे ने गल करनी है तो उन्हें बड़ा सोच समझ के शब्द बोलने पैंदे आ क्योंकि वो इस गल दे विचों क्योंकि असी हर एक चीज़ नूं धर्म नूं असी पूरी तरह नहीं समझा होया इस करके असी धर्म के अनुभव के उपर जो असी खड़ते हैं तो असी दूजिया चीज़ों नूं सारियां नूं नगेट करते हैं इस जो मैं वर्कशॉप लाई थी तो जी मैं फीडबैक दी थी तो मैं लास्ट यही गल कही तो मैं अपने सचमुच दिलों कही कि मैं सिख बनने की कोशिश कर रहा जिंदगी दे विच मेरा परपज है कि मैं एक चंगी सिख लाइफ जी साडे कोल जिउण की कोशिश कर रहा तो मैं लगे कि मैं अज तक कोई ऐसी एजुकेशन नहीं सी मिली जी मैं उस लाइफ न धारण कर उस लाइफ न बनाने मददगार साबित हो सकती मैंने वैल्यू एजुकेशन पढ़ के इस तरह लग्या कि यार ये तो जिहड़ा मैं वाट बड़े समयां दे विच मकाउणी सी अपने अंदर दी वह रास्ता मैनू बड़ा सोहना मिलिया मतलब मैनू तो बिल्कुल फील नहीं हुई ये चीज़ कि सिख दे विरोधी या किसी चीज़ के विरुद्ध कोई चीज़ है वैल्यू एजुकेशन दे विच तो मैनू ये बिल्कुल बेदी सर ने जिस तरह गल कही हैगी मैनू भी बिल्कुल उस तरह अनुभव हुंदा कि इस चीज़ नू कि इनू असी किस तरह पंजाब दे विच करना है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गल है मैं ये बारे बहुत सोचता जब मैं अपने कॉलेज के मैं कर लिया है इस बार प्रिंसिपल साहब ने मैं गल की है कि भावें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इसमें नहीं पढ़ा रही हैगी पर कॉलेज के पोस्ट ग्रैजुएट क्लासिस अभी पंजाबी दढ़ाने तो मैं पोस्ट ग्रैजुएट क्लासिस के इस बार वैल्यू एजुकेशन जरूर बच्चों साझी कराँगा पर यदा एक पक्ष यह भी है वैल्यू एजुकेशन का एक दूजा पक्ष भी है कि जदों असी हिंदुस्तान की ट्रडिशन के जी एथिक्स है ये साढ़े रिलीजन का पार्ट आ बखरा नहीं है वैसट के एथिक्स बखा रिलीजन बखा हिंदुस्तान की प्राप्ति यह है कि साड़ी एथिक्स रिलीजन के अंदर जिहड़ी ये प्राप्ति सी ये मॉडर्न टाइम के साढ़े लिए नैगेटिव हो गई क्योंकि असी चीज़ों तोड़ लिया सारियां एक दूजे नूं जदों भी असी कोई गल करते हैं मोरैलिटी की तो साड़ी न्यू जनरेशन लगता भी ये रिलीजन की गल है तो इन छड़ो रिलीजन बड़ी मेरी चीज़ होंगे तो वो इन अडोप्ट भी नहीं कर रहे हैं जो असं रिलीजन के लैवल तो गल करते हैं पर जो असं वैल्यू एजुकेशन के पास तो गल करते हैं तो बच्चे इनू ज़्यादा वधिया तरीके अडोप्ट करते हैं मैं बंदा बहादुर कॉलेज नाल बहुत होर तरह का लगाव होया बड़ा होर तरह का प्यार होया मैं सोचता रहना कि इस तरह के विद्यार्थी हर कॉलेज के पैदा होन इस तरह के विद्यार्थी जे पंजाब के विद्यार्थी सीखने लिए आ रहा साढ़े को ट्रेडिशन साढ़े अंदर चलती है पर उन्होंने कोई माहौल नहीं मिल रहा जिदे अपने अंदर पई चीज़ों ठीक पासे चला सकन वैल्यू एजुकेशन ने मेरे ख्याल नाल बच्चों वो माहौल दिता जिहड़ा पंजाब दा अपना माहौल से जिहड़ा पंजाब तो गुम हो गया सी ते मैनूं लगता कि वैल्यू एजुकेशन की यह प्राप्ति है तो साडे वर्गे बंदिआं नूं बहुत संजीदगी दे नाल इहदे विच काम करना चाहिए तो उही काम करन तों पहलां जिहड़ी रजनीत ने गल कही सी बड़ी सोहणी गल इहने कही सी वी सब तों पहलां बंदा वैल्यू एजुकेशन की कमा लिया कि इह कहिंदा कि तूं अपने आप नूं वेख लै पहलां ते कई बार बंदा जो सोचदा मैं करां ते कई बार सोच लैंदा वी अजे रुक जा अजे तूं आप गुड़खा नूं फटिया नहीं
बाद सिक्ख्या देवे इस ये चंगी गल भी है पर ये थोड़ी जी गल लेट भी होंगी हैगी है मतलब इस तरह के अनुभव है थोड़े जी बाकी गल् मैं सुनने लिए ज्यादा चाहना कि मैं सुना तो सारे बड़ा धन्यवाद सर जी एंड आफ्टर दैट वर्कशॉप मैं लिटरेचर के पहला भी थोड़ा ध्यान रखनी सी बट उसके बाद लिटरेचर जिदा उपल सर की भी गल है कि गुरबाणी जो शब्द की व्याख्या जी ओनू समझना कि ओनू इंप्लीमेंटेशन जी वो चीज़ एक इंपॉर्टेंट आ वो एक नज़रिया जोड़ा सी वो चेंज होया सवेरे शाम पाठ करना वा शब्द पढ़ने मीनिंग जो मैं हम देखा गुरु नानक देव जी तीन टीचिंग पहली एक वंड करो वंड करो दूजी ये किरत करो होनेस्टली अपनी अपना लाइफ स्टाइल जियो देखिए एक्सप्लोर ना करो तीसरा ये है कि नाम जपो जो मेडिटेट करो पांच चीज़ों को ओवरकम करना वा जो मैं अपनी लाइफ से देखा तो मैं अपने आसे पास काफ़ी जाने से देखता वा वो हैं मैं काम क्रोध लोभ मोह का ये मेरे च भी पहला मतलब कि चीज़ा है ही हूँ भी है काफ़ी पर मोस्टली मैं आसे पास भी देखता पाया वा काफ़ी हैगी है तो मतलब कि चीज़ा अं करते पे हाँ फिर मतलब कि करते क्यों पे हैं वह परपस भी जस्टिफाइड होना चाहिए ना वो चीज़ है बाकी पहले चाहिए होता है ना कि अपने लैवल से कुछ मतलब अपने तो इन्ना काम नहीं होता तो अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा बंदा फसया रहा हूँ काफ़ी चीज़ों का ध्यान घट हूँ रिलीजन समझने से भी जाने से भी टाइम चाहिए वै एफर्ट लगते हैं वो चीज़ हैगी पहले उन्ना टाइम ही एफर्ट नहीं बनते हम ज़्यादा टाइम तो एफर्ट निकल गया तो वो चीज़ा डेफिनेटली कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव बनता रहना रिलीजन में जस्टिफाइड भी किया तो उस पहला मेरी मतलब अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही उन्नी रिस्पैक्ट थी कि वो फीलिंग्स नहीं है जो हम है बाद चो हम मतलब कि जो वो भी अंडरस्टैंड की तो भी वैल्यू है कि वो भी इंपोर्टेंस लगी तो हम मतलब कि बाद चो अमृत भी छक है तो इदा भी काफ़ी वधिया रहा और आदि सीखने भी मतलब कि जानने काफ़ी वधिया मिले वा बाकी धार्मिक जोड़ा है धार्मिक कट्टरता चो निकल के धार्मिक सहनशीलता देना चाहिए मैं धर्म बारे ये सीखे डॉक्टर साहब तो बाद इस तरह जिमें डॉक्टर बेदी ने भी जी गल कही तो बंदे के अंदर जो बदलाव आता साढ़े को बहुत सारे यहोजे बच्चे भी ने असी आप भी हैं इस गल के पूरे दे पूरे कोलाज हैं जिन्हें जिसे साढ़े को निजी रूप साढ़े अंदर भी बहुत व्डिया व्डिया चेंजेस आई हैं ਉਹੋ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 80% 82% ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਸੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਉਹ ਬੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਰਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਮਨ ਕਰੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਰਵੀਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਗਈ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੋੜ ਆ ਚੱਲੀ ਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀ ਹਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਬਸ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੱਪਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਮਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਆਹ ਬਣਨਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਸੀ ਸਾਡਾ 12 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ ਆਹ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਮਾਈ ਲਊਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ